अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। हानिया अमीर ने कुछ ही दिन पहले आसम अजहर के साथ अपने ताल्लुक की वजाहत कर दी, जिस पर पब्लिक ने आसम अजहर के लिए बहुत सारे फनी मीम बनाए। तो आज आसिम अजहर ने भी जवाब दे दिया, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाले लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आसिम अजहर और हानिया अमीर के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन इनके फैंस को यकीन था कि इन लोगों की बात शादी तक ज़रूर पहुंचेगी। रिसेंटली गुलुकारा आयमा बेग के साथ लाइव सेशन में हानिया ने ऐसे किसी भी ताल्लुक की वजाहत नहीं की, जिसके बाद सोशल मीडिया सार्फिन ने हैरत का इजहार करते हुए मुख्तलिफ फनी मीम बनाए। हानिया अमीर के बाद आसम अजहर ने भी आज सबको जवाब दे दिया। गुलुकार ने लिखा, ये मेरे लिए किसी भी लेबल से बढ़कर है, तो तुम लोग आराम से बैठो सारे, हर जगह मोहल्ले की फुफ्फो नहीं बनते। हानिया सबसे मेहरबान और खूबसूरत इंसान है, मैं हमेशा इनका साथ देता रहूँगा, क्योंकि हानिया ने ही मुझे प्यार बांटना सिखाया। हमारे ताल्लुक को किसी भी लेबल की ज़रूरत नहीं है। आसम की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर से इनका नाम ट्रेंड कर रहा है, और सारिफीन इनको लेकर इंटरेस्टिंग मीम भी शेयर कर रहे हैं। इससे पहले भी लाइव सेशन के दौरान आयमा की जानिब से पूछे गए सवालात में हानिया आमिर ने कहा कि मैं और आमिर बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हम लोग एक दूसरे के साथ हमेशा मौजूद होते हैं। यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि मेरे और आसम के ताल्लुक का सवाल है तो मैं इस वक्त किसी के साथ भी नहीं। पारी मिलेगी काटने के लिए। We're not together, we're not dating, we're not a couple. दर्द ही दर्द तो ये बात याद रहे कि हानिया अमीर ने यह भी कहा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तानियों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, लेकिन सोशल मीडिया के सिपाहियों इत्मीनान करो, बिल्कुल फ्री ना हो और ज़्यादा ओवर भी ना हो। इससे पहले भी 2020 में आयमा खान ने हानिया अमीर से पूछा था तो हानिया अमीर ने कहा था कि मैं अभी बच्ची हूँ तो मैं शादी कैसे कर लूँ। तो आज भी उन्होंने फिर 2020 में उन्होंने दोबारा से ये बात रिपीट कर दी कि मैं और आसम अजहर सिर्फ दोस्त हैं, जिसके बाद आसम अजहर को तनकीद का सामना करना पड़ा और आज उन्होंने सबको बता दिया। आसम अजहर का मजीद कहना था कि हानिया की रजामंदी के बगैर वो इस हवाले से कोई तबसरा नहीं कर सकते, तो तुम लोग कौन होते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। मिलते हैं आगे एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक फी ईमानिल्लाह।